पाड़े स्टोर में मनाया जाएगा करवा चौथ का व्रत, जहां पर शिवा, रावी और दिशा तीनों में ही ये कहानी रिपीट होने वाली है कि कौन किसका व्रत तुड़वाएगा। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में काफी कुछ ड्रामा तो होने ही वाला है, जहां पर बेचारा शिवा दोनों ही लड़कियों में फंस चुका है। अब भाई वो दोनों ही उससे प्यार करती है, लेकिन शिवा तो रावी से ही प्यार करता है और सुमन चाहेगी कि करवा चौथ के दिन दिशा ही शिवा के लिए व्रत रखे, क्योंकि अब रावी तो उससे तलाक ले रही है और जब तलाक ही ले रही थी उसको व्रत रखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर से यहाँ पर धरा, रिश्तेदार और पूरे परिवार वाले यही कहेंगे कि पत्नी तो अभी भी रावी ही है और उसी का हक बनता है कि वो शिवा के लिए व्रत रखे। तो भाई यहाँ पर रावी तो व्रत रखने ही वाली है, लेकिन दिशा भी व्रत रखने वाली है। बात ये होगी कि शिवा किसका व्रत खुलवाता है। तो यहाँ पर शिवा भी रावी के लिए व्रत रखते नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, जो कि वो ये सच्चाई छुपाते नजर आने वाला है, लेकिन यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जब व्रत खुलवाने का वक्त आएगा तो रावी का व्रत खुलवाएगा शिवा पहले, क्योंकि वो उसकी पत्नी है। और देखने को मिलेगा कि शिवा यहाँ पर कुछ नहीं खाया होता है और शिवा खुद ही बेहोश हो जाता है। और ये देखने को मिलेगा शिवा की बेहोशी पर अब रावी ही उसका व्रत खुलवाते नजर आएगी, यानी कि यहाँ पर सीन उल्टा हो जाएगा, जिसके बाद में दिशा का व्रत खुलेगा ही नहीं और शिवा की बेहोशी का कारण दिशा को पता चल जाता है कि उसने रावी के लिए ही व्रत रखा है। और पूरे परिवार को भी पता चल जाता है कि शिवा ने कुछ नहीं खाया था, इसीलिए वो बेहोश हो गया था। और यहाँ पर फाइनली सच्चाई सामने आ जाती है कि शिवा रावी से प्यार करता है और रावी भी ये सब कुछ देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाने वाली है और उसकी अब उसके सामने कोई भी विकल्प नहीं होगा। और तलाक की सुनवाई से पहले ही शिवा और रावी में झगड़ा ज़रूर होगा, लेकिन फिर रावी और शिवा दोनों ही इस तलाक को रोकते नजर आएंगे।